रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? ठीक यस मैम। है। अच्छा देखो, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिडिल में थोड़ा गैप हो गया बिकॉज मेरा तबीयत खराब हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा भूल गए होगे तुम लोग। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से करेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ना रिस्ट्रिक्शन परम्यूटेशन उससे स्टार्ट करेंगे। वही करने वाले थे लेकिन बीच में हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन, आज वाला जो टॉपिक है। तो पहले इसको समझते हैं, देखो परम्यूटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन में क्या पढ़ना है। परम्यूटेशंस विथ रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, पहले इसको ना हम लोग नॉर्मल तरीके से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला यूज करके कैसे करना है। अच्छा देखो, जैसे कि मान लो एक वर्ड है, जैसे कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं लाइक बैट। ठीक है, अच्छा अब इसमें कितने सारे लेटर है? देखो इसमें लेटर जो है ये एक वर्ड हो गया बैट। ठीक है, इसमें लेटर है तीन, बी ए और टी। अगर हम लोग इसे अरेंज करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन देगा। देखो इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन हम इसीलिए लिख रहे ताकि हम लोग पूरी चीज को आसानी से समझ पाए। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैट कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, कितने तरीके से हम लोग बैट में जितने सारे लेटर है उसे अरेंज कर सकते हैं। और परम्यूटेशन में जैसे हम लोगों ने देखा था कि मीनिंग का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? देखो एक तो हमारा बी ए टी बैट है, अरेंज का मतलब है लेटर का पोजीशन चेंज कर करके हम लोग कितने सारे वर्ड बना सकते हैं। तो बी ए टी बैट, अब बी को कॉन्स्टेंट रख के हम लोग ये टी और ए में चेंज कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन गया। हाँ, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग से परम्यूटेशन में कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा अब लिखने का जो सिस्टम है वो देखो, कैसे हम लोगों से कोई भी एक वर्ड हम लोगों से मिस नहीं होना चाहिए। कैसे मिस नहीं होगा? पहले हम लोगों ने बी को कॉन्स्टेंट कर दिया, ए टी टी ए ये चेंज कर लिया। अच्छा इसके बाद हम लोग ए को कॉन्स्टेंट कर लेते, बाकी दोनों वर्ड को इंटरचेंज करते हैं, ए टी और यहाँ पर ऐसे करते हैं टी बी। ठीक है, अब हम लोग टी को कॉन्स्टेंट कर लेते हैं ए बी और यहाँ पर बी ए। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे लिखने से ना हमारा एक भी वर्ड जो है मिस नहीं होगा। तीन वर्ड बी ए टी को अलग अलग तरीके से लिख के हम लोग कितने सारे वर्ड बना सकते हैं? बैट, ये तीन, इसको कॉमा कॉमा दे देते हैं, मतलब एक लेटर बी, एक लेटर ए और एक लेटर टी, इसको यूज करके हम लोग टोटल इतने सारे वर्ड बना सकते हैं। अगर इसमें से वर्ड का कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं, या फिर बैट के अलावा अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं है तो नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन में हमें सिर्फ अरेंजमेंट करना है, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। परम्यूटेशन का मतलब सिलेक्ट करना और अरेंज करना। तो कितने सारे लेटर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड। अब लेटर बोल दिया यानी ऑल लेटर। ठीक है, मैंने नहीं बोला है कि टू लेटर या वन लेटर, मैंने बोला है ऑल द लेटर। ठीक है, या फिर द लेटर्स बोल दिया मतलब सारे लेटर्स ऑफ द वर्ड बैट कैन बी अरेंज। ये हो गया, ये तो हम लोग को पता था। अब इसमें नया चीज क्या ऐड ऑन करना है? रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शन का मतलब, अब अगर क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन ऐसा दे दे यहाँ पर कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड बैट सो दैट द लेटर ए कॉमा टी ऑलवेज कम
टूगेदर, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, पहले तो मैंने बोला कि यहाँ पर बैग जो वर्ड है इसमें जितने सारे लेटर है उससे जितना सारा अलग अलग वर्ड बन सकता है बनाओ, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता है परम्यूटेशन पे। लेकिन नेक्स्ट मैंने क्या क्वेश्चन दे दिया, इन हाउ मेनी वेज कैन वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड बैग सो दैट द लेटर ए कॉमा टी ऑलवेज कम टूगेदर, मतलब जो भी वर्ड बनेगा उसमें ए और टी एक साथ होगा, तो क्या ए टी ही होना चाहिए या टी ए होगा तो चलेगा, दोनों ही चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है ए कॉमा टी, ये दोनों लेटर एक साथ होना चाहिए। अब वो ए टी फॉर्म में हो या टी ए फॉर्म में हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि ए टी एक साथ होना चाहिए, हमें बोला है ए कॉमा टी, यानी ये दो लेटर हमेशा एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने तो पहले बिना रेस्ट्रिक्शन के अरेंजमेंट देख लिया, बिना रेस्ट्रिक्शन के कितने सारे अरेंजमेंट है, टोटल 6 अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा अब हमें इसमें से वो सारे अरेंजमेंट देखना है जिसमें ए और टी एक साथ होगा, तो कौन कौन सा ऐसा वर्ड होगा जिसमें ए टी एक साथ है, यहाँ से देख के भी तो हम लोग बता सकते हैं, बोलो कि कौन कौन सा वर्ड दिख रहा है हमें जहां पर ए टी एक साथ है, बोलो बोलो कौन कौन सा वर्ड तुम लोग को यहाँ दिख रहा है जहां पर ए और टी एक साथ है, मतलब इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, चाहे वो राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो या मिडिल में हो, लेकिन अलग नहीं होना चाहिए, तो बोलो टुगेदर कौन कौन सा वर्ड यहाँ पर दिख रहा है। मैम फर्स्ट वाला बी ए टी बैट, बी टी ए ये वाला, उसके बाद ये, हाँ बी टी ए और बी ए टी और ये फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला और फिफ्थ, फिफ्थ वाला, बस ये फोर लेटर्स देखो, ये सॉरी ये फोर वर्ड, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें देखो ए इधर है टी इधर है तो टुगेदर नहीं हुआ, ये वाला क्यों नहीं लिया हम लोगों ने, टी इधर है ए इधर है तो टुगेदर नहीं हुआ, टुगेदर का मतलब ए भी एक साथ होगा ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते कौन कौन सा वर्ड हम लोग का बना, एक तो बन गया बी ए टी, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट दिख रहा है बी टी ए, अच्छा ए टी बी और टी ए हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये हम लोग का आंसर आ गया कि अगर एक साथ हो तो ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो एक साथ ए और टी हो ऐसा कितना अरेंजमेंट हो गया, फोर अरेंजमेंट, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि फोर वर्ड्स, ठीक है, फोर वर्ड्स बोलो या फोर अरेंजमेंट्स बोलो, ऐसा फोर अरेंजमेंट होगा रेस्ट्रिक्शन के साथ, रेस्ट्रिक्शन के साथ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन था कि हमें वही सारे वर्ड चाहिए जिसमें ए टी एक साथ है, बाकी वर्ड अगर ए टी एक साथ नहीं है तो वो हमें नहीं चाहिए, और ये क्या हो गया, ये हो गया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन के बिना ही सेम वर्ड को जब हम लोग अरेंज कर रहे हैं तो हम लोग का कितना सारा अरेंजमेंट हो रहा है, 6 अरेंजमेंट हो रहा है, 6 अरेंजमेंट यानी 6 वर्ड्स, ठीक है, 6 अरेंजमेंट का यानी 6 वर्ड्स हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगर हमें ये क्वेश्चन दे दे, अब हम क्वेश्चन को और एक बार चेंज करते हैं, ठीक है, अब सेम डेटा पे ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड bat so that a comma t never come together कभी भी a और t एक साथ नहीं आए, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट हमें मिल सकता है, तो फिर से हम लोग मेन अरेंजमेंट से देख सकते हैं जिसपे हम लोगों ने टिक नहीं किया, वही तो सारे वर्ड्स है जो जिसमें ए और टी एक साथ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्या लिखा कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड बैट सो दैट ए कॉमा टी, ये जो दो लेटर है ये कभी भी एक साथ ना आए, तो ऐसा दो ही वर्ड है यहाँ दिख रहा है, ये चार जो टिक है इसके अलावा ए बी टी और टी बी ए, यहाँ पर लिखते हैं ए बी टी और टी बी ए, यहाँ पर ए,
टी बी ए, ठीक है, ये दोनों ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो ए टी एक साथ नहीं, ए इधर है, टी इधर है, बीच में बी है, और इधर ए है, बीच में भी टी, तो ये हो गया। तो अब देखो इसका आंसर हम लोग रेस्ट्रिक्शन वाला आराम से लिख लिख के इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का वर्ड जो है काफी छोटा सा है, ठीक है, ओनली 3 लेटर वर्ड है। अगर यही वाला 10 लेटर का वर्ड हो तो क्या हम लोग के लिए अरेंजमेंट लिख पाना पॉसिबल है? अगर यही मान लो बैट के जगह हो गया, सपोज एडुकेशन एक वर्ड हो गया, एडुकेशन, अब एडुकेशन का पहला बात है कि बिना रिस्ट्रिक्शन के अरेंजमेंट लिख पाना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये देखो हमें ये सब तो छोड़ो, अगर नॉर्मल ही लिखना चाहोगे तो इतने बड़े वर्ड का हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तब हमें फॉर्मूला यूज करना मैंडेटरी है, ठीक है, इसीलिए तो फॉर्मूला सीखना पड़ता है। तो चलो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें कितना सारा अरेंजमेंट हुआ, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 अरेंजमेंट जैसे मैंने बाकी सब में लिखा है। अब इसी चीज को ना हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले से इसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोग के पास बहुत सारा मतलब लेंथी वर्ड होगा तो हम लोग इस तरीके से लिख के आसानी से देख के मतलब विजुअलाइज करके नहीं बोल पाएंगे, तब हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले में दिखाने का कोशिश करेंगे। तो जब हमारा रिस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसे कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमें परम्यूटेशन में फॉर्मूला क्या दिया क्या है, NPR, ठीक है, NPR का मतलब N permutation of R, N का मतलब होता है total number of things और R का मतलब है उसमें से जितने सारे चीजों को select करके हमें arrange करना है। तो हमारे पास कितने सारे, यहाँ पर select क्या करना है word और arrange क्या करना है word, ठीक है, तो हमें कितने सारे वर्ड सिलेक्ट करने हैं, 3, ठीक है, क्योंकि BAT 3 लेटर ही हमें लेना है, तो 3 लेटर है, 3 लेटर को हमें अरेंज करना है, तीनों को एक साथ लेना है, ठीक है, तो N का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड R का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, ठीक है, तो दोनों ही हम लोग का 3 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3P3, ठीक है। अब रहा फॉर्मूला, अब 3P3 का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर हम लोग इलेबोरेटिव फॉर्म में करें, जैसे NPR का हम थोड़ा सा इसीलिए बता दे रहे, बीच में हमारा गैप था ना, तो शायद तुम लोग भूल गए हो अगर नहीं प्रैक्टिस की हो, तो इसीलिए N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा भी NPN का मैंने फॉर्मूला तुम लोग को बता रखा है, N फैक्टोरियल होता है, उसका रीजन भी है, देखो NPN अगर होता है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, N फैक्टोरियल N माइनस N फैक्टोरियल, तो N फैक्टोरियल N माइनस N मतलब 0 फैक्टोरियल, और मैंने तुम लोग को बोल दिया था 0 फैक्टोरियल 1 होता है, उसका प्रूफ भी मैंने दिखाया था, जबकि प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, समझने के लिए मैंने बोला था, वैल्यू तुम लोग को हमेशा याद रखना है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 3P3 का, ये क्या हो गया, 1 सेकंड, ये अपने आप क्या हो गया, अच्छा तुम लोग को भी स्क्रीन में कुछ दिख रहा है ना, पिंक पिंक कलर का, हेलो, क्या तुम लोग का स्क्रीन में प्रॉब्लम, नहीं मैम, तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, यस मैम, हाँ हाँ, अच्छा तो मुझे मेरे यहाँ पर पूरा ब्लर हो के पिंक कलर का स्क्रीन हो गया अपने आप, तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है, अच्छा ये क्या नया चेंज है, 1 सेकंड देखते हैं क्या हुआ, वीडियो नहीं सतेज, गुड इवनिंग सतांशी, गुड इवनिंग मैम, चलो अब तो ये हो गया, पता नहीं तुम लोग को क्लियर दिख रहा है, बट मेरे यहाँ पर स्क्रीन में कुछ पिंक कलर का पूरा स्क्रीन ऑटोमेटिकली हो गया और उसके बाद वो पूरा ब्लर हो गया था, ठीक है, चलो शायद मेरे यहाँ पर कोई इश्यूज होगा, चलो कोई बात नहीं,
ठीक है, तो जो हम बोल रहे थे तो 3p3 इसको हम लोग फॉर्मूले में ट्रांसफर करते, ये देखो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखते हैं, फैक्टोरियल का मतलब हमें रिवर्स मल्टीप्लाई करके 1 तक लिखना होता है, तो 3 टू 1 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो ये 6 हो गया। तो देखो हमारा 6 अरेंजमेंट हो गया, हम तुम लोग को इसको फॉर्मूला से भी दिखा रहे हैं, जरूरी है देखो फॉर्मूला से भी दिखा रहे हैं क्योंकि जब बड़ा वर्ड होगा तो हमें फॉर्मूले का यूज करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मूले से इस तरीके का हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग फॉर्मूले से कैसे देंगे, ये पॉइंट है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें वो सारे वर्ड चाहिए जहां पर ए और टी एक साथ होगा। ठीक है, हमें वो सारे वर्ड चाहिए, तो इसमें कैसे सॉल्यूशन होता है देखो, तो इसका रूल्स ये है कि जब भी हमें किसी दो चीज, दो या दो से ज्यादा, जैसे यहाँ पर एटी दो दिया है, हो सकता है कि कुछ और अगर वर्ड हम लोग का थोड़ा, जैसे मान लो वर्ड अगर हम लोग का थोड़ा बड़ा हो, लाइक ऐसा कोई वर्ड है जैसे कि जैसे क्या बोले पेंसिल, ठीक है पेंसिल, ठीक है, तो पेंसिल में मान लो हम लोग का यहाँ पर बोल रहा है कि ई एन सी एक साथ हो, ठीक है, या फिर सी आई एल एक साथ हो, तो तीन वर्ड भी हो सकता है, यहाँ तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दो वर्ड है। अब जब भी हमें बोलेगा कि कोई भी आइटम्स एक साथ होना चाहिए, कोई भी नंबर ऑफ आइटम्स, अब नंबर ऑफ आइटम्स टू या मोर, देखो मिनिमम टू होगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को क्या करना है, यही हम लोग का रिस्ट्रिक्शन है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको एक ग्रुप या यूनिट मानना है, जो भी लेटर, यहाँ पर लेटर का बात हो रहा है इसलिए हम लेटर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेटर की जगह कुछ और भी तो हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अरेंजमेंट थोड़ी ना ये बात है कि सिर्फ लेटर का ही होता है, ह्यूमन बींग का हो सकता है, कुछ भी चीजों का हो सकता है। तो अगर ए और टी को एक साथ रखना है, ठीक है, ए और टी को एक साथ रखना है, चाहे ए टी फॉर्म में रख लो चाहे टी ए फॉर्म में रख लो, अगर एक साथ रखना है इनको हमें क्या मानना पड़ेगा, एक यूनिट या फिर ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, ये एक यूनिट है या फिर एक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है, जैसे अगर ग्रुप होता है तो बहुत सारे लोगों को तो उस ग्रुप से, जैसे मान लो एक ग्रुप में 5 persons है, ठीक है, फिर भी वो एक ही ग्रुप कहलाता है, अगर ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग मान रहे हैं, तो जब भी रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो हम लोग उसको मिला के रेस्ट्रिक्शन को एक ग्रुप मानेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट में देखेंगे कि हम लोग का एन कितना है, एन, ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज का अरेंजमेंट है, लेटर का, तो टोटल लेटर हम लोग के पास क्या है, बैट में टोटल लेटर 3 है। ठीक है, जिसमें से रेस्ट्रिक्टेड लेटर कितने सारे है वो हमें लेस कर देना है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड अगर कुछ है तो उसका अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो जो रेस्ट्रिक्टेड लेटर है वो है हम लोग का, रेस्ट्रिक्टेड लेटर है 2 लेटर्स है, ठीक है, ए एंड टी, तो माइनस करके हम लोग का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 लेटर जो कि हम लोग का रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, जैसे कि देखो ये देखो 3 लेटर है बी कॉमा ए कॉमा टी, ठीक है, और रेस्ट्रिक्टेड लेटर कितना है, रेस्ट्रिक्टेड लेटर है ए कॉमा टी, तो जो एक लेटर निकला ये हम लोग का बी आ गया, जो कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये कौन सा है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब देखो एक चीज अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो, ये देखो ए टी टी ए, ठीक है, फिर यहां पर देखो ए टी, यहां पर देखो टी ए, तो बेसिकली अरेंजमेंट कितने लेटर का हो रहा है पता है, बी और ये, मतलब 2 लेटर का अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी देखो 2 लेटर का अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर देखो 2 लेटर का अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पर देखो 2 लेटर का अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब जैसे मान लो दो अगर बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो कहीं पर स्कूल स्कूल वगैरह में क्या होता है, जब हमारे किसी से अच्छा बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, तो क्या होता है, नॉर्मली एक साथ बैठेंगे हम, ठीक है, कोई भी क्लास में एक साथ बैठेंगे, ट्यूशन अगर एक जगह पढ़ते हो, मान लो एक ही जगह पढ़ना चाहते हो, एक ही जगह पे बैठते हो, ये तो होता है ना। ठीक है, तो वैसे ही देखो, मतलब मान लो ये अगर 3 फ्रेंड के तरह है जिसमें ये दो सबसे पक्के दोस्त है, तो ये हमेशा एक ही साथ रहेंगे, चाहे ए टी हो या टी ए फॉर्म में हो, लेकिन रहेंगे हमेशा एक साथ। तो बेसिकली अगर मान लो ये तीनों कहीं एक जगह पे आ रहे हैं तो लोगों को क्या लगेगा, अगर उनको अरेंजमेंट करके देना है, भाई मुझे जो भी इनका अरेंजमेंट करके देना है उसमें ए टी तो एक साथ ही होगा, बी को अलग भी कहीं बैठा देंगे तो चलेगा, मतलब मान लो अगर ये 3 ह्यूमन बीइंग होते और ये दो हमेशा एक ही साथ बैठेंगे, तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, इनका चेयर हमेशा एक ही साथ होना चाहिए, बी को कहीं भी बैठा
बैठा सकते हैं, मतलब हमें दो तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है, तीन अलग अलग तरीके से सोचने का जरूरत नहीं होता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी वही नॉन रिस्ट्रिक्टेड वर्ड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली हमें कितने सारे लेटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कितने सारे लेटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये तो मैंने समझाया कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक्चुअली हमें अरेंजमेंट कितने लेटर का करना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे लिखेंगे बैट, ठीक है, इसमें बी का अलग कंसेप्ट हो जाएगा, ए कॉमा डी का अलग कंसेप्ट हो जाएगा, तो इसको एक लेटर मानेंगे, इन दोनों को एक मानेंगे, ठीक है, इसको एक, इन दोनों को एक मानेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, इसको एक और इन दोनों को एक मानेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा दो लेटर का, तीन के जगह दो लेटर का होगा, ठीक है, दो लेटर का, क्यों, एक बी का और एक ए टी का एक साथ, ए टी का एक साथ, ठीक है, तो दो लेटर का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, टू पी टू तरीके से, क्यों, क्योंकि दो लेटर में से हमें दो लेटर को चूज करना है, ठीक है, यहाँ पर बी को एक लेटर, बी तो एक लेटर है, ए टी को एक ही यूनिट मानना है, और दोनों मिला के टोटल हो गया टू, हमें टू लेटर का अरेंजमेंट करना है, तो इस केस में हम लोग का एन भी क्या हो जाएगा, एन भी टू और आर भी टू, ठीक है, तो टू पी टू, और ये टू पी टू का मतलब हो गया ये वाला अरेंजमेंट, बी और उसके साथ ए टी, बी उसके साथ टी ए, या फिर ए उसके साथ ए टी और बी, टी ए और बी, इस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है। और एक अरेंजमेंट होगा, ए टी अपने अंदर अरेंज हो सकता है, मतलब ए टी, ए टी फॉर्म में भी जा सकता है, टी ए फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होगा, वो किस तरीके से होगा, टू पी टू, वो भी टू पी टू होगा, क्यों, क्योंकि जब ए और टी का अरेंजमेंट हमें करना है अपने अंदर, तो एन का वैल्यू भी टू, दो लेटर टी और ए, और आर का वैल्यू भी टू, ठीक है, क्योंकि हमें टी और ए दोनों को लेके ही काम करना है, तो हमें क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हमें ये तीन लेटर का अरेंजमेंट करना है, जिसमें ए टी को हमें एक यूनिट मानना है, तो बेसिकली तीन के जगह हम लोग इसे दो लेटर मानेंगे, दो लेटर कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक हम लोग का हो गया बी, ठीक है, जो कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड है और रेस्ट्रिक्टेड दोनों मिला के ये हम लोग का टोटल दो लेटर का अरेंजमेंट होगा, और जो रेस्ट्रिक्टेड लेटर है वो अपने अंदर अरेंज हो सकते हैं टी ए और ए टी फॉर्म में, और ये दोनों चीज हमें एक साथ चाहिए, ये दोनों चीज हमें एक साथ चाहिए, बी और ए टी, ये सभी का अरेंजमेंट हमें एक साथ चाहिए, तो एंड हो रहा है, हमें बी ए टी का अरेंजमेंट चाहिए एज वेल एज ए टी अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है ए टी और टी ए फॉर्म में, एंड होने से इन टू होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल्स। अब टू पी टू मतलब टू फैक्टोरियल, अगेन टू पी टू मतलब टू फैक्टोरियल, कैसे, अभी अभी मैंने तुम लोग को याद दिलाया था कि एन पी एन का मैंने तुम लोग को फॉर्मूला लिखवा रखा है, एन फैक्टोरियल होता है, चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, तुम लोग को कितना मिला एन फैक्टोरियल, यानी ये टू फैक्टोरियल हो जाएगा, टू फैक्टोरियल मतलब टू इंटू वन, टू फैक्टोरियल मतलब टू इंटू वन, यानी फोर, यानी फोर अरेंजमेंट होगा, ये देखो फोर अरेंजमेंट, ठीक है, फोर अरेंजमेंट हो गया। हम फिर से एक बार समझाते हैं कि जब हमारा रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा हम लोग को क्या करना है, अलग कर, ये पॉइंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इस पॉइंट का कोई नीड नहीं, ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे थे कि रेस्ट्रिक्टेड तीन लेटर है, जिसमें से रेस्ट्रिक्टेड दो है, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड वन हो गया, हम लोग को रेस्ट्रिक्टेड और नॉट रेस्ट्रिक्टेड को अलग अलग कर लेना है, जो जो लेटर को टूगेदर रखना है उसको हम लोग एक यूनिट मानेंगे, और ये चेक करेंगे कि हम लोग का टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, तो टोटल अरेंजमेंट वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो दो लेटर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टू पी टू तरीके से, और जो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड है ए और टी, ये अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ए टी एंड टी कॉमा ए, दोनों तरीके से हो सकता है, इसीलिए ए टी भी लिया हम लोगों ने, टी ए भी लिया, ए टी भी लिया, टी ए भी लिया, अब ये अपने अंदर अगर इंटरचेंज करेगा तो अगेन टू पी टू तरीके में करेगा, ठीक है, और हमें ये दोनों अरेंजमेंट को कंबाइन करना है, हमें बी कॉमा ए टी के अरेंजमेंट को भी देखना है, साथ ही साथ ए टी अपने अंदर अगर टी ए फॉर्म में जाएगा तो भी चलेगा, तो ये दोनों मिला के एंड हो जाएगा, अब ये एंड होने पर हम लोग का ये कितना आ जाएगा, फोर, ये देखो फोर अरेंजमेंट हो रहा है, तो हमें ये फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी हम लोग
ऐसा ही क्वेश्चन आज करते जाएंगे धीरे धीरे, तो तुम लोग को एक हैबिट हो जाएगा कि कैसे करके हो रहा है। तो फोर अरेंजमेंट हो गया। जब बोल रहा है कि ए और टी ऑलवेज कम टुगेदर, हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देख लिया कैसे हो रहा है, एज वेल एज हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले से भी देख लिया। अब अगर हमें बोलेगा कि अगर नेवर कम टुगेदर हो तो क्या करना है, फॉर्मूले से तब हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो फॉर्मूला इसका कुछ अलग नहीं है। जब भी हमें नेवर कम टुगेदर बोलेगा, हमें पहले नॉर्मल अरेंजमेंट देख लेना है और टुगेदर वाले अरेंजमेंट को देख लेना है। ठीक है, नॉर्मल अरेंजमेंट और टुगेदर वाले अरेंजमेंट को, जैसे कि देखो यहां पर ये जो अरेंजमेंट है, ये वाला जो अरेंजमेंट है, इसमें हम लोग का AT एक साथ भी है और AT एक साथ नहीं है, ऐसा अरेंजमेंट भी है। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा अरेंजमेंट है, इसमें A कॉमा T ये टुगेदर वाला अरेंजमेंट भी है प्लस नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट भी है। ठीक है, अच्छा, और यहां पर क्या है, यहां पर ये अरेंजमेंट जो है इसमें है टुगेदर, मतलब AT हमेशा एक साथ है, सिर्फ यही वाला अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग का टुगेदर एंड नॉट टुगेदर सिक्स अरेंजमेंट है, ये देखो यहां पर लिखेंगे टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर, क्या चीज AT। ठीक है, AT टुगेदर और नॉट टुगेदर, ऐसे कितने अरेंजमेंट है, सिक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, और AT टुगेदर मतलब एक साथ है, ऐसे कितने अरेंजमेंट है, ऐसे हम लोग का फोर अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब नॉट टुगेदर कितना हो जाएगा, दो, देखो नॉट टुगेदर दो, यहाँ पर आंसर भी आया ना, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर अगर सिक्स है, टुगेदर अगर फोर है सेम अरेंजमेंट का, तो फिर टू क्या हो जाएगा, टू हो गया हम लोग का नॉट टुगेदर। तो अगर हमें नॉट टुगेदर निकालना है तो इस तरीके से ये दोनों हमें सीखना ही पड़ेगा, ये दोनों आंसर निकालने पे ही हम लोग ये वाला आंसर निकाल पाएंगे कि नॉट टुगेदर कितना होगा। तो जो अगर हमें नॉट टुगेदर पूछेगा तो हम लोग पहले नॉर्मल अरेंजमेंट निकालेंगे जहां पर हमें टुगेदर नॉट टुगेदर दोनों मिलेगा, उसके बाद हम लोग टुगेदर वाला निकाल लेंगे, फिर लेस करने से हमें पता चल जाएगा ऐसे कितने सारे अरेंजमेंट है जहां पर टुगेदर वाला वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस करने से नॉट टुगेदर आ जाएगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने अपना एक एग्जांपल लिया था, हम लोग मैथ से भी एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद तुम लोगों से पूछते हैं, देखते हैं तुम लोग को समझ में आया या फिर नहीं आया। तो पहले हम यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल वन ये वाला। ठीक है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉट द वावल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। ठीक है, बोल रहा है कि वावल्स कभी भी अलग ना हो, मतलब वावल्स एक साथ रहे, नॉट सेपरेटेड मतलब क्या हो गया, वावल्स एक साथ रहे। चलो ठीक है, तो हम पहले ये वाला यहाँ पर लिखते हैं, थे एग्जाम्पल वन। ब्रॉड, ठीक है, इसमें तुम लोग पहले मुझे ये बताओ इसमें वावल्स कितने सारे, क्योंकि हम लोग को वावल्स और कॉन्सोनेंट अलग अलग कर लेना है। हाँ बताओ, टू वावल्स है और फाइव कॉन्सोनेंट्स है। हाँ, वावल्स क्या क्या है, डी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। हाँ बोलो, ए यू वावल्स एंड डी आर जी एच टी कॉन्सोनेंट्स। हाँ, D R G H और T, ठीक है, ये हम लोग का हो गया वावल्स और ये हम लोग का हो गया कॉन्सोनेंट। अब हम लोग को बोला क्या है, बोला है वावल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, यानी ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा एक साथ होना चाहिए। तो अभी अभी मैंने क्या सिखाया, देखो अब फॉर्मूले का क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग ड्रॉट को, ड्रॉट का अरेंजमेंट लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, ड्रॉट का अरेंजमेंट ये बैट की तरह आसान नहीं है, तीन लेटर वाला नहीं है कि हम लोग लिख ले और उसको देख के चेक कर दे, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जो भी चीज हमें एक साथ रखना है उसको हमें एक यूनिट मानना है, मतलब ये बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे सोचो। ठीक है, ये बेस्ट फ्रेंड है, ये कभी अलग नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, ये बेस्ट फ्रेंड है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग वन यूनिट या फिर ग्रुप मानेंगे। ठीक है, इसे हम लोग वन यूनिट मानेंगे, मतलब वन यूनिट का मतलब है तो दो लेटर लेकिन मानो इसे एक लेटर। ठीक है, वन यूनिट या ग्रुप का मतलब है कि ये है तो एक लेटर लेकिन मानो इसे एक ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों को हम लोग वन मानेंगे। ठीक है, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये जितने सारे हैं उतने काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव,
फाइव काउंट कर लो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचेंगे, नॉर्मली हम लोग सोचेंगे कि हमारे पास कितने सारे लेटर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन यहाँ पर हम लोग का कितना लेटर हो जाएगा, 6 लेटर। क्यों? क्योंकि ए और यू को हम लोग एक ही लेटर मानेंगे, तो हमें अरेंजमेंट कितने चीजों का करना पड़ेगा, 6 लेटर का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा 6 लेटर का, ठीक है। लेकिन ए और यू अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, क्योंकि हमें बोला है कि वावल्स टुगेदर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोला कि वावल्स हमेशा ए यू पैटर्न में बैठना चाहिए या यू ए पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है। ए यू हो तो भी चलेगा, यू ए हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये 6 लेटर का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो 6 लेटर का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का ऐसे हो जाएगा, देखो एन का वैल्यू भी 6 हो गया और 6 लेटर को ही एट ए टाइम लेना है, तो आर का वैल्यू भी हम लोग का 6 हो जाएगा, तो आंसर होगा 6 पी 6, ठीक है। ये तो हम लोग का 6 लेटर का अरेंजमेंट हो गया। 6 लेटर का अरेंजमेंट मतलब हम एक लिख के तुम लोग को दिखाते हैं, देखो एक कोशिश करते लिख के दिखाने का कैसा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, डी आर ए यू G H D R A U, ये देखो A U एक साथ हो गया, ठीक है। G H T, ये जो मेन वर्ड हमें दिया हुआ था उसमें से ये एक हो सकता है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है D R U A G H T, ये भी हो सकता है D R U A G H T, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कितना सारा होगा, और भी कितने सारे चेंजेस होंगे जो कि हमारे लिए लिख पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम लोग करें, ठीक है। अब A U अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, क्योंकि A U में रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, A U अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है। तो A U कितने सारे लेटर हो गए, 2 लेटर हो गए, ठीक है। 2 लेटर अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 लेटर से 2 लेटर सिलेक्ट करना है, तो 2p2 तरीके से सिलेक्ट करके अरेंज करना है। अब ये दोनों चीज जो है एक साथ होना चाहिए, 6 लेटर का अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए। 6 लेटर का अरेंजमेंट का मतलब ये दोनों और ये सारे मिला के, तो 6 लेटर का अरेंजमेंट हम लोग का होना चाहिए। ये देखो ये दोनों एक साथ और 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होना चाहिए। अब AU अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, दैट इज 2p2, और ये पूरा चीज जो है एक साथ होना चाहिए टुगेदर, तो ये इनटू हो जाएगा, टुगेदर यानी कि इनटू हो जाएगा। तो 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल कितना होगा, 6 इनटू करके रिवर्स में 1 तक जाओ, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 720 इनटू 2 इनटू 1, 2 इनटू 1 हम लोग का हो गया 2, ठीक है। तो 720 इनटू 2, तो ये हो जाएगा 144c। अच्छा तुम लोग के स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तुम लोग को क्लियर दिख रहा है, या फिर तुम लोग का भी स्क्रीन में कुछ आ रहा है? नहीं पूरा क्लियर है। क्लियर है, अच्छा ठीक है। तब मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये सोच रहे रिकॉर्डिंग अगर गलत हो जाएगा तो बाकी लोगों को दे नहीं पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। मेरा ये कुछ हार्डवेयर इशू हो जाता, मानसी का तो एडमिट ही नहीं होता। चलो तो यहाँ पर देखो 1440 हो गया, ठीक है, 1440 ways 1440 ways। अब देखो इतना सारा लिख पाना कभी पॉसिबल नहीं है, क्या हम लोग 1440 वर्ड्स कभी लिख पाएंगे, ये हम लोग के लिए लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो हमें फॉर्मूले का यूज करना ही पड़ेगा। रूल्स क्या है, देखो रूल्स ये है कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड वर्ड रहेगा उसको मिला के हमें एक यूनिट पाना है, चाहे वर्ड 2 हो, जैसे यहाँ भी 2 था, मैंने जो एग्जांपल लिया वो भी 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, और उसके साथ साथ हम लोग बाकी जो भी नॉट रेस्ट्रिक्टेड वर्ड है उसे नॉर्मल, फिर हम लोग देखेंगे कितने सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं। तो 6 लेटर के अरेंजमेंट हो गए, और हमें ये देखना पड़ेगा जिनको हम लोगों ने एक ग्रुप माना है वो अपने अंदर इंटरचेंज कर पाता है कि नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन बोल रहा है वावल्स को एक साथ रखना है, यानी ए यू भी चलेगा, यू ए भी चलेगा, ठीक है, ए यू भी चलेगा, यू ए भी चलेगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में ये बता दे कि वावल्स ए यू फॉर्म में ही होगा, तब ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वावल्स अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर पाएगा,
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखो, क्योंकि इसको किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये भी पूछेगा कि वॉवल्स जो है हम लोगों का इंटरचेंज नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल वन हुआ। चलो मैंने बोला था तुम लोगों से पूछेंगे, मैंने पूछा नहीं, चलो इसीलिए नहीं पूछा कि मुझे लगा और एक बता देते, उस इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल थ्री वाला पूछते, टू वाला नहीं पूछ रहे क्योंकि वो एन रिलेटेड है, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, उसके बाद करेंगे हम लोग, पहले एग्जाम्पल थ्री करते फिर एग्जाम्पल टू करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है देखो, देयर आर सिक्स बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, थ्री ऑन मैथमेटिक्स एंड टू ऑन अकाउंटेंसी, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टूगेदर। क्या बोला है कि हम लोग के पास सिक्स इकोनॉमिक्स बुक्स है, थ्री मैथमेटिक्स का बुक्स है और टू अकाउंटेंसी का बुक्स है। हम लोग को बोल रहे हैं हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से कैन दिस बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ। ठीक है, मतलब बुक शेल्फ में अगर हम लोग ये सारे बुक्स को रखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर, सेम सब्जेक्ट वाला बुक्स हमेशा एक साथ होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो इसको तुम लोग ऐसे जो है कुछ बुक्स ड्रॉ करके भी हम लोग कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे देखो यहाँ पर कितने सारे क्या क्या बुक्स है पहले एक बार देख लेते हैं। थ्री इकोनॉमिक्स बुक्स है। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स बुक्स को एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक बुक शेल्फ जैसा बना लेते हैं, कुछ नहीं समझने के लिए, तुम लोग चाहो तो ड्रॉ करो या फिर देख सकते हो नॉर्मल ऐसे ही। देख, ठीक है, ये बुक सेल्फ में हम लोग कितने तरीके से रख सकते हैं। जैसे देखो हम इकोनॉमिक्स बुक्स को कलर कर देते हैं, थ्री इकोनॉमिक्स बुक्स बोला है, सॉरी सिक्स इकोनॉमिक्स बुक्स बोला है, हम ये ब्लू कलर से देते हैं। ठीक है, ये इको को हम दे देते हैं ब्लू कलर से, तो वन ये एक बुक्स हो गया, टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स इकोनॉमिक्स बुक्स हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है थ्री मैथ्स, मैथ्स का कुछ अलग कलर ले लेते हैं, मैथ्स के लिए हम लोग ले लेते हैं ये वाला कलर तीन, ये तीन मैथ का बुक हो गया। ठीक है, ये तीन मैथ का बुक है। और फिर नेक्स्ट बोला है टू अकाउंटेंसी, अब अकाउंटेंसी का भी कुछ अलग कलर ले लेते हैं, दो अकाउंट्स का बुक्स है। ठीक है, तो ये तो एक अरेंजमेंट हो ही गया। क्यों, देखो हम लोग को कैसे अरेंज करने बोला था, हमें ऐसा अरेंज करना है कि सेम सब्जेक्ट का बुक एक साथ रहे। ठीक है, सेम सब्जेक्ट का बुक्स एक साथ रहे, मतलब इको के बीच में मैथ अकाउंट्स, मतलब ऐसा अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, एक इको का बुक रख लिया उसके बाद एक मैथ एक अकाउंट्स, ऐसा नहीं चलेगा। इको के सारे बुक्स एक साथ होने चाहिए, मैथ्स के सारे बुक्स एक साथ होने चाहिए, जब भी होगा अकाउंट्स का सारा बुक्स एक साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर कितना सारा अरेंजमेंट होगा वो सोचो। ठीक है, जैसे क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे देखो पहला बात ये है कि मैंने यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट दिखाया तुम लोगों को, पहले बुक सेल्फ में मैंने इको का बुक्स रखा। ठीक है, इस साइड में मैंने इको का बुक्स रखा, मिडिल में मैथ रखा, इधर अकाउंट्स रखा। लेकिन इसके अलावा भी तो हमारा अरेंजमेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है वो हम दिखाते हैं। जैसे देखो हम लोग का ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पर दो अकाउंट्स का बुक्स रख दिया, ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने इको का बुक्स रख दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने रख दिया मैथ का बुक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैथ का बुक्स रख दिया, थी ये एक अरेंजमेंट हो सकता है, और भी अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब ये इको मैथ और अकाउंट्स ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी तो होगा, जैसे मान लो ये अकाउंट्स का एक बुक है, ये अकाउंट्स का एक बुक है, मतलब हम बोल रहे हैं कि दो अलग अलग सपोज राइटर का बुक है। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है, हम इस बुक्स को नाम दे देते हैं अकाउंट्स वन और अकाउंट्स टू बोल के। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अकाउंट्स वन और अकाउंट्स टू बोल के रखा था, लेकिन जब इधर अरेंज किया तो अकाउंट्स टू और अकाउंट्स वन बोल के किया। मेरे कहने का मतलब है हमारे पास दो तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा, एक तो सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट होगा, इको मैथ अकाउंट्स, मैथ इको अकाउंट्स, मतलब ये कितने सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे, इको मैथ अकाउंट्स ऐसे अरेंज कर सकते हैं, फिर इको अकाउंट्स मैथ ऐसे अरेंज कर सकते हैं, मैथ अकाउंट्स इको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, मैथ इको अकाउंट्स ऐसे अरेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा अकाउंट्स इको मैथ, अकाउंट्स मैथ और इको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट जो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बुक्स भी तो अपने अंदर अरेंज हो सकता है, जैसे ये जो इको का बुक्स है ये लास्ट में चला गया या ये मिडिल में चला गया, मतलब सिक्स इकोनॉमिक्स बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो हम एक लिख के दिखा रहे, ज्यादा तुम लोग कैसे लिखेंगे ये देखो। जैसे मान लो इको का बुक्स का मैंने एक इको का बुक्स का नाम दिया इको वन, दूसरे वाले का नाम दिया इको टू, फिर नाम दिया इको थ्री, इको फोर, इको फाइव,
5 इको 6, ठीक है, ये मतलब राइटर के हिसाब से मैंने जस्ट ऐसे ही नाम दे दिया। अब इसमें भी तो अरेंजमेंट चेंज होगा जब मैंने यहाँ पर इको के 6 बुक्स रखे, क्योंकि जब भी यहाँ अरेंज हो रहा है ये 6 नंबर ऑफ बुक्स है, ये 2 नंबर ऑफ सॉरी 3 नंबर ऑफ बुक्स है और ये 2 नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है। ये जितने भी अरेंजमेंट है हर जगह पे इकोनॉमिक्स 6 बुक्स है, मैथ का 3 है और अकाउंट्स का 2 है। अब ये भी तो अपने अंदर इंटरचेंज करेगा कैसे, इको 1, इको 2, इको 3, इको 4, इको 5, इको 6, ऐसा एक अरेंजमेंट हो सकता है, एज वेल एज नेक्स्ट अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है, इको 1, इको 3, इको 5, इको 4, इको 6, ठीक है, और इको 2, इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। यानी यहाँ पर दो तरीके का अरेंजमेंट होगा, एक होगा सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम लोग बुक सेल्फ में अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि पहले इको रखे, बीच में मैथ, उसके बाद अकाउंट्स, या फिर मिडिल में अकाउंट्स रखना है, इस तरीके का अरेंजमेंट, एज वेल एज बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। अब ये कितने तरीके से होगा वो तुम लोग मुझे बताओ। सबसे पहले बोलो, इको बुक्स जब अपने अंदर इंटरचेंज करेगा वो कितने तरीके से करेगा, मैथ जब अपने अंदर इंटरचेंज करेगा कितने तरीके से करेगा, अकाउंट जब अपने अंदर इंटरचेंज करेगा कितने तरीके से करेगा, ये पहले बताओ। जब 6 इको बुक्स अपने अंदर इंटरचेंज करेगा तो कितने तरीके से कर सकता है मैम? 6 इको बुक्स 6 फैक्टोरियल वेज से होगा, 3 मैथमेटिक्स वाला 3 फैक्टोरियल वेज और 2 अकाउंटेंसी का 2 फैक्टोरियल। हां ऐसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 6 इकोनॉमिक्स बुक्स में से 6 इकोनॉमिक्स बुक्स चूज करना है तो 6 भी 6 तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा अब मैथ वाला देखो, मैथ का कितने सारे बुक्स है, 3 बुक्स है, 3 में से 3 ही हमें अरेंज करना है तो 3p3 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और अकाउंट्स का देखो, 2 बुक्स है, 2 में से 2 ही लेके सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो ये 2p2 तरीके से होगा। अब ये तीनों अरेंजमेंट हमारा एक साथ होना चाहिए, ठीक है, एक साथ होना चाहिए, यानी एंड, ऐसा तो नहीं है कि मुझे इको मैथ का चाहिए, इको मैथ अकाउंट्स का नहीं चाहिए, मुझे तीनों एक साथ चाहिए। तो अगर मुझे तीनों एक साथ चाहिए तो मेरा अरेंजमेंट कैसे होगा, 6p6 into एंड, है ना, एंड 3p3, मतलब अरेंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स एंड अरेंजमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एंड अरेंजमेंट ऑफ अकाउंट्स बुक्स, ठीक है, दैट इज 2p2। ये हो गया बुक्स का अरेंजमेंट। अब बुक्स का अरेंजमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ सब्जेक्ट भी तो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हम पहले इको ही रखे फिर मैथ फिर अकाउंट्स, इसके अलावा भी तो मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मुझे क्या पूछा जाता है परम्यूटेशन में, कितने सारे अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो मुझे बताओ ये तीन सब्जेक्ट अपने अंदर कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ भी है, तुम लोग मुझे बताओ इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे लिखे। वैसे तो 6 दिख ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 कैसे लिखेंगे बोलो, तीन सब्जेक्ट कितने तरीके से अपने अंदर इंटरचेंज करेगा मैम? 3 फैक्टोरियल 3p3। हाँ 3p3 तरीके से करेगा। इसमें देखो यहाँ पर हम लोग का 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, 3 में से 3 ही सब्जेक्ट हमें चूज करना है, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ बुक्स ही हमें अरेंज करना है, तो ये हो जाएगा 3p3। अब इसको एंड ये हमें इसके साथ साथ ये अरेंजमेंट भी चाहिए, तो एंड यानी कि इंटू 3p3, तो 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल, 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल और 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 51,000 कितना आ रहा है, 51,840। एक बार चेक करते हैं आंसर हम लोग का मैच हुआ कि नहीं, 51,840 देखते हैं। हाँ ये रहा 51,840, इतने तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। ये वाला हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 3, ये अलग था देखो इसमें हम लोग का, लेकिन वो वर्ड लेटर वाला कंसेप्ट नहीं था। नॉर्मली हम लोग को वर्ड लेटर ज्यादा मिलता है क्वेश्चन में, लेकिन अभी हम लोग को ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिला, तो लेकिन है कंसेप्ट एक ही जैसा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट ये वाला जो मैंने नहीं करवाया ना बीच में, एग्जाम्पल 2 बाकी रखा, इसको करते हैं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है, सो दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच एन बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन ए सेल्फ सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। बोल रहा है एन नंबर ऑफ बुक्स, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, एन नंबर ऑफ बुक्स को अगर हम लोग अरेंज करते हैं बुक शेल्फ में
इस तरीके से अरेंज करना है कि दो बुक्स कभी भी हम लोग का एक साथ ना आए, ठीक है। तो आज मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोग को सिखाया कि जब हमें नेवर कम टुगेदर बोलेगा ना, तो हमें कम टुगेदर ऑब्वियसली निकाल लेना है, क्योंकि नॉर्मल अरेंजमेंट से अगर हम लोग कम टुगेदर वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो हमें नेवर कम टुगेदर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें टुगेदर कि अगर वो दो बुक्स एक साथ आते तो हम लोग का कितना सारा अरेंजमेंट होता, वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम लोग वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें नेवर कम टुगेदर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन है, चलो फिर यहाँ पर करके देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है सबको कि इसमें कुछ ना डिजिट नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई अल्टीमेट आंसर नहीं आएगा, एम रिलेटेड आंसर ही रह जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें कंसेप्ट पता है ना, तो उसी कंसेप्ट के साथ अगर हम लोग चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जो है कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन बुक्स कैन बी अरेंज्ड। देखो हम पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हम लोग के पास बोला है कि टोटल एन बुक्स है, एन मतलब कुछ नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो एन बुक्स कैन बी अरेंज्ड, कितने तरीके से एन बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, NPN, ठीक है। क्यों, जैसे मान लो हमें अगर बोल देता कि पांच बुक्स को कैसे अरेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल N की जगह 5, तो N भी हम लोग का 5 होता और R भी हम लोग का 5 होता, तो हम लोग क्या लिखते, 5P5। 5 बुक्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5P5 तरीके से। वैसे ही N बुक्स को कितने तरीके से अरेंज करेंगे, NPN तरीके से, यानी इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करने से, N फैक्टोरियल, जैसे 5P5 का 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का अरेंजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, अगर चाहो तो ऊपर लिख लो समझने के लिए, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखा, अगर हमारे पास टोटल एन बुक्स है तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। अच्छा, अब हमें क्या बोला है, ऐसे अरेंज करना है कि दो पर्टिकुलर बुक्स है वो एक साथ ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ टू बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, अगर टुगेदर होता तो क्या होता, हमें बोला नहीं कि टुगेदर निकालो, नॉट टुगेदर ही बोला है, लेकिन बिना टुगेदर निकाले नॉट टुगेदर नहीं निकाला जा सकता है। इफ टू बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर तो कैसे होगा, अगर दो बुक्स एक साथ होगा तो हमारा अरेंजमेंट क्या होगा वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टोटल बुक्स कितना है, टोटल बुक्स है हम लोग का एन, ठीक है। इसमें से रेस्ट्रिक्टेड वाला दो है, तो बिना रेस्ट्रिक्टेड वाला कितना बचेगा, रेस्ट्रिक्टेड वाला बुक्स दो है तो बिना रेस्ट्रिक्टेड वाला बुक्स कितना होगा बोल सकते हैं, टोटल एन बुक्स है, अगर रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ बुक्स टू है तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा, ऐसे सोचो कि अगर हम लोग के पास n-2 करेक्ट, n-2 होगा। जैसे देखो हम लोग के पास 5 बुक्स है, उसमें से अगर दो बुक्स हमेशा एक साथ आना चाहिए तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड 3 हो गया, कैसे, 5-2 करने से, उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये है रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन, ठीक है, ये है नॉट रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्टेड है उसे हमें क्या मानना है, वो जितने भी सारे आइटम क्यों ना हो उसे हमें एक ही मानना है, और जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड है वो जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो कैसे, अभी अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया ना, वावल्स एक साथ होना चाहिए, उसे एक मानो, और जो नॉट रेस्ट्रिक्टेड है वो जैसा है वैसा, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 1+5=6। हम लोग यहाँ पर भी सेम चीज को करेंगे, बस यहाँ पर हम लोग के पास कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एड करेंगे 1+n-2, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखो कितना होगा, 1+n-2 का कैलकुलेशन हो जाएगा n-1, ठीक है, n-1, यानी हम लोग का अरेंजमेंट कितने चीजों का करना है, n-1 चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, n-1 चीजों का। अब इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, n-1 चीजों का अरेंजमेंट हम लोग का हो सकता है कुछ ऐसा, ये देखो n-1 p n-1, क्यों, देखो अगर
सिंपल सा बात है, अगर इसके जगह तुम लोग 5 कर लेते हो तो इसके जगह 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सोच के देखो, अगर हमें इनके जगह बोल देता 5 बुक्स है जिसमें से 2 बुक्स हमारा एक साथ होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते, 5 में से 2 रेस्ट्रिक्टेड आइटम है, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड आइटम कितना हो गया 3, इसको हमें 1 मानना है, ये एज इट इज रहेगा, तो टोटल अरेंजमेंट 4 बुक्स का होगा। तो कैसे करेंगे, 4p4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, कैलकुलेशन करके यहाँ पर n माइनस 1 आया, क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं था, तो जितना आया, तो n माइनस, जैसे 4p4 है उसके जगह n माइनस 1 pn माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल बुक्स n माइनस 1 है और n माइनस 1 बुक्स को लेके ही अरेंज करना है, तो n माइनस 1 pn माइनस 1 जिसका आंसर हम लोग का होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे कि देखो, अगर हम लोग करते हैं ऐसे n pn, तो क्या होता है n फैक्टोरियल, सेम तरीके से हो गया, तो अगर एक साथ आए, अगर एक साथ आए तो हम लोग का आंसर हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अगर एक साथ आएगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, तो देखो, तो यहां पर हम लोग का हो गया कि अगर हम लोग का एक साथ हो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 पी एन माइनस 1, और जो दो एक साथ आने वाला बुक्स है वो अपने अंदर जो है 2p2 तरीके से इंटरचेंज कर पाएगा, वो अपने अंदर 2p2 तरीके से इंटरचेंज कर पाएगा, ठीक है, तो हम लोग को उसको इनटू 2p2 करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, देखो जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसमें हम लोगों ने कैसे किया, उसमें भी तो हम लोगों ने इसी तरीके से किया ना कि au अपने अंदर इंटरचेंज कर पाएगा कितने तरीके से, au अपने अंदर 2p2 तरीके से कर पाएगा, वही चीज हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। ये देखो, ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू हमें करना पड़ेगा 2p2, जो दो पर्टिकुलर बुक्स है वो अपने अंदर इतने तरीके से इंटरचेंज कर सकता है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल यहां पर भी लिख सकते हैं 2p2 इनटू, ये एक ही साथ कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। अब ये मेरा आंसर लेकिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये नहीं पूछा है, ठीक है, मुझे ये नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है, बोला है कि नेवर कम टुगेदर वाला आंसर बताने के लिए, ठीक है, नेवर कम टुगेदर वाला, देखो मुझे नेवर कम टुगेदर वाला बताने के लिए बोला है, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 2 बुक्स नेवर कम टुगेदर, 2 बुक्स कभी भी एक साथ ना आए, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट हो सकता है, तो देखो ये जो अरेंजमेंट है इसमें टुगेदर एंड नॉट टुगेदर दोनों ही है, ठीक है, इसमें टुगेदर और नॉट टुगेदर दोनों ही है, तो n फैक्टोरियल ये हो गया टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर, क्या ये लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, एग्जाम में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो करो, जब हैबिट हो जाएगा तो इस तरीके से लिखने का जरूरत नहीं होगा, और टुगेदर वाला कितना है, टुगेदर वाला हम लोग का हो जाएगा, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 2 इंटू 1 2 हो गया 2 एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉट टुगेदर चाहिए, तो टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर से अगर हम लोग टुगेदर को लेस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो n फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग का आंसर क्या है, यहाँ एक प्रूफ दे दिया था, द नंबर इज n माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देखते हैं कि इसको सॉल्व करने से उनके पैटर्न में हम लोग आंसर ला पाते हैं कि नहीं, बिल्कुल ला पाएंगे, देखो हम दिखाते हैं, n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n उसके बाद वाला टर्म होगा n माइनस 1, ठीक है, जैसे देखो 5 फैक्टोरियल अगर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5
ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, फोर फिर थ्री, तो ये मैंने तुम लोग को समझाया था कि कैसे होता है। तो अगर ये एन है तो ये एन, फिर एन माइनस वन, ठीक है, फिर एन माइनस टू, ठीक है, फिर इसके बाद एन माइनस थ्री, उसके बाद एन माइनस फोर, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। तो फाइव, फाइव माइनस वन फोर, फाइव माइनस टू थ्री हो गया, फाइव माइनस थ्री टू हो गया, फाइव माइनस फोर वन हो गया। तो इसी तरीके से पहला एन, फिर उसके बाद एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे करके वन तक जाएगा। तो हम एन माइनस वन लिख के ही यहीं पर स्टॉप कर देंगे। क्यों? यहाँ पर स्टॉप करने से, जैसे अगर हम फाइव फैक्टोरियल को ऐसे लिखना चाहे, फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, तो लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। क्यों कर दिया? ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर दिया हुआ है उसके साथ मैच हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रूफ के तरह दिया है ना, तो हम लोग उनके तरह आंसर निकाल ले रहे हैं। अब क्या तुम लोग का ऐसा कैलकुलेट करना जरूरी है? इतना करके हम लोग रख नहीं सकते, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन तुम लोग के पास चार ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। अगर उस ऑप्शन में, इस पैटर्न में नहीं दिया हुआ है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो कौन सा आंसर है, तो फिर तुम लोग को आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी तुम लोग क्लियर कर पाओगे कि एक्चुअली तुम लोग का आंसर कौन सा होना चाहिए। तो ये एन माइनस वन फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचा एन, इधर से क्या बचा माइनस टू। अब देखो उनके आंसर के साथ हम लोग का आंसर मैच हो रहा है, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगा, और कुछ नहीं। एन माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस टू, ये देखो एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लीकेशन का क्या है, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो जैसे ए बी या बी ए, एक ही बात है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों का मतलब सेम होता है। वैसे ये आगे लिखा हुआ है, ये मैंने बाद में लिखा, अब इसको मैंने उनके तरह अरेंज कर दिया। अगर ये भी लिखा हुआ रहता है तो भी बात एक ही, बस तुम लोग को समझने से मतलब है कि क्या बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्या होता है प्रॉब्लम, कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बस इतने से बात पे कि यहाँ पर डिजिट नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है, तुम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है तो तुम लोग किसी एक डिजिट को इमेजिन करके भी कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग के पास तो ऑप्शन रहेगा ना, तो आराम से कर सकते हो। तो प्रूफ प्रूफ तो रहेगा नहीं कि प्रूफ करके दिखाओ कि इसका वैल्यू ये है बोल के, ठीक है। तो फिर भी देखो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से, एन नंबर ऑफ बुक्स था जिसको हमें अरेंज करना था, तो हम लोग उसे एन पी एन यानी एन फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। टू बुक्स कभी भी अगर एक साथ आए, ऑलवेज अगर एक साथ आए, कभी भी नहीं, हमेशा अगर एक साथ आए, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, वो दो बुक्स को हम लोग एक बुक्स मानेंगे, और जो हम लोग का ये जो हम लोग का n माइनस बाकी जो बुक्स बचेगा, दो अगर हम लोग का रेस्ट्रिक्टेड है तो बाकी बुक्स हम लोग का कितना बचेगा, बाकी बुक्स बचेगा हम लोग का n माइनस टू। तो रेस्ट्रिक्टेड को वन मानना है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड जितना है। अब सबको ऐड करने से हमें अरेंजमेंट पता चल जाएगा कि एक्चुअली हमें कितने सारे चीजों का अरेंजमेंट करना है। तो हमें अरेंजमेंट करना है n माइनस वन p n माइनस वन का, और वो दो बुक्स अपने अंदर अरेंज हमेशा हो सकते हैं। तो टू पी टू, दो बुक्स अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो इसका आंसर हम लोग का ये आ जाएगा टुगेदर। अब हमें चाहिए कि दो बुक्स हमेशा एक साथ ना है, ऐसा कितना सारा अरेंजमेंट होगा, तो दो दो एन बुक्स का अरेंजमेंट बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के एन फैक्टोरियल है, और दो पर्टिकुलर बुक्स हमेशा एक साथ आए उसका ये है। अब इससे इसको लेस करेंगे तो हमें नॉट टुगेदर वाला मिल जाएगा, जिसमें हमें थोड़ा सा अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ा ताकि हम लोग उसको मैच कर पाए आंसर को, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल टू हो गया, एग्जाम्पल टू, और एग्जाम्पल थ्री हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल थ्री भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब जो भी क्वेश्चन हम लोग का ये यहाँ से बाकी था वो एक बार सॉल्व कर लेते। देखो हम लोगों ने ना ये वाला जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट किया था 5A, ठीक है, 5A में हम लोगों ने कितना कर लिया था, मुझे भी थोड़ा याद नहीं है, क्योंकि चलो 5A में 1, 2, 3 कर लिया था, 3, 4, 5, 6, 7 ये कर लिया था, 7, 8, 9, अच्छा लगातार ही किया है मैंने, 10 भी कर लिया, 10 के बाद यहाँ पर 11 किया, अच्छा 12, 13, 14 कर लिया, अच्छा उसके बाद मिडिल में गैप था, चलो 14 के बाद मिडिल में गैप था, 14 के बाद डायरेक्ट 18, अच्छा चलो 14 के बाद गैप था, शायद इस तरीके का क्वेश्चन था इसलिए मैंने गैप रख दिया। हाँ, 14 के बाद 15, 16, 17 ये हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन का टाइम बचेगा तो करेंगे, क्योंकि जो सीखा है उससे हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तो कर लिया शायद ना, 14 कर लिया, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 14 14 तक कर लिया, 15
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट वावल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर. फेलियर जो वर्ड है उसको हमें ऐसे अरेंज करना है ताकि वावल्स हमेशा एक साथ आए. ठीक है, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन वाला क्वेश्चन दे दिया, तो हम पहले वर्ड को लिख लेते हैं फेलियर, FAILURE. ठीक है, अब इसमें हम लोग वावल्स को अलग कर लेते हैं, तो तुम लोग ही बता दो वावल्स क्या क्या है और कॉन्सोनेंट क्या क्या है. और आंसर भी बताओ. वॉवेल्स क्या क्या है मैम? AIU वॉवेल्स है. AIU और E. हाँ E. हाँ और कॉन्सोनेंट्स है FLR. हाँ कॉन्सोनेंट है FLR. अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है कि वॉवेल्स जो है एक साथ होना चाहिए, तो इसको हम लोग कितना मानेंगे, कितना वर्ड मानेंगे? ये तो तीन वर्ड ही रहेगा, लेकिन सॉरी तीन लेटर ही रहेगा, इसको हम लोग कितने सारे लेटर मानेंगे? ये जो रेस्ट्रिक्टेड है मैम वन मानेंगे वॉवेल्स को. हाँ वन, ये थ्री, तो टोटल अरेंजमेंट कितने लेटर का होना चाहिए? फोर. टोटल अरेंजमेंट हो गया फोर लेटर का. फोर लेटर अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? अगर फोर में से फोर ही हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, फोर में से फोर ही सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो कितने तरीके से होगा? फोर फैक्टोरियल. हाँ मतलब 4p4, और ये चार अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें तो कुछ बोला नहीं इनके बारे में, तो वो कितने तरीके से होगा? उसका भी 4p4 होगा. हाँ 4p4 होगा. और ये सारे चीज, ये सारे अरेंजमेंट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का होना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ पर इनटू होना चाहिए. ठीक है, तो 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, अगेन 4p4 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल ना 24 होता है. देखो मुझे तो करके आदत हो गया है, तो मुझे याद हो जाता है, तुम लोग को भी याद हो जाएगा. ठीक है, करते जाओगे तो याद हो जाएगा. तो 24 × 24 ये हम लोग का आंसर आ रहा है 576. 576, चलो देखते हैं, 576 आंसर है. 15 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा हमें, जो भी क्वेश्चन करना है रेस्ट्रिक्टेड वाला ऐसे करना पड़ेगा. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला है. 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द बेस्ड एंड ओर्स पेपर्स नेवर कम टुगेदर बोला है. मतलब सबसे अच्छा जो क्वेश्चन पेपर है और सबसे बुरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कभी एक साथ ना आए. तो अगर एक साथ ना आए, उसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक साथ अगर आते हैं तो कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं. उसके लिए हमें पहले देखना है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो हम लोग 10 एग्जामिनेशन पेपर को कितने सारे, कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा. तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ 10 एग्जामिनेशन पेपर को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज होगा बताओ? 10 एग्जामिनेशन पेपर कितने तरीके से अरेंज होगा? अरेंज होगा. और अगर इफ बेस्ड एंड ओर्स्ड पेपर कम टूगेदर, अगर बेस्ड और ओर्स पेपर एक साथ आए तो हमें कितने तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ेगा? तो 10 में से दो पेपर एक साथ आना चाहिए, तो बाकी बचा कितना? ये रेस्ट्रिक्टेड, तो बाकी बचा कितना? नॉट रेस्ट्रिक्टेड कितना हो जाएगा? एट. एट. अब ये दोनों को कितना मानेंगे? ये दोनों को कितना मानना पड़ेगा? दो पेपर को कितना मानना पड़ेगा? जैसे दो लेटर, चार लेटर को एक मान रहे हैं, मैंने पहले ही बोला चाहे कितने भी हो हमें हमेशा क्या मानना है? एक यूनिट वन. और ये हाँ ये एट, ये वन यूनिट या वन ग्रुप, और ये एट अपना सिंगल रहेगा, तो टोटल अरेंजमेंट कितने सारे पेपर का हो जाएगा? नाइन फैक्टोरियल. और ये बेस्ड और ओर्स्ड अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है, जैसे जितने भी सारे पेपर वन है, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर,
पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 और पेपर 9 को हम दे देते हैं बेस्ट पेपर B1 और जो ओर्स पेपर है उसे W1 दे देते हैं, ठीक है। ये कॉमा कॉमा इतने सारे पेपर है, अब जैसे भी अरेंज करो बेस्ट और ओर्स का क्या है वो B1 W1 भी हो सकता है, W1 B1 भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो ये नहीं बोला कि पहले बेस्ट फिर ओर्स, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला। तो ये दो पेपर अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2P2 यानी 2P2 यानी 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। अगर एक साथ आता है तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेस्ड और रोस्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, तो क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना है पूछा क्या है। हड़बड़ी में अगर हम लोग ये आंसर दे के आ जाएंगे, वैसे दोगे नहीं क्योंकि तुम लोग के पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए गलत ऑप्शन, मतलब ऐसा भी कोई ऑप्शन दे दे हमें। चलो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ बेस्ड and worst paper never come together। अच्छा तो इसमें हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऑल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, मतलब वही टुगेदर नॉट टुगेदर, अगर चाहो तो ऐसे लिख लो टुगेदर नॉट टुगेदर या ऑल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एक ही बात है, टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर वाला अरेंजमेंट, मतलब हर तरह का अरेंजमेंट, वो है 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर हो जाएगा टुगेदर वाला, ऐसा अरेंजमेंट जहां पर हमेशा बेस्ड और वर्स्ट पेपर एक ही साथ है, ये वाला हो गया। अब नॉट टुगेदर का आंसर चाहिए तो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जैसे है। अब 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, ये इसका और ये ऐसे मैंने ब्रैकेट दे दिया समझाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं देना चाहते हो मत दो, लेकिन सही तरीके से हमें कॉमन लेना है, तो 10 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 8। अब देखो क्या आंसर है, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 मतलब ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखो काफी सिमिलर है देखने में ए और सी, तो देख के आंसर देना है कि ये 9 इंटू 8 फैक्टोरियल है, ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल है, हम लोग का क्या आया है 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो देख के आंसर देना है, सिमिलर टाइप ऑफ देखने में लग रहा है, तो गलती से ऑप्शन ए को टिक नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये वाला है और ये जो एन नंबर ऑफ बुक्स वाला था ना, बिल्कुल सेम है, देखो एन नंबर ऑफ बुक्स वाला आपके आंसर आया था एन माइनस टू एन माइनस वन, अब इसके जगह अगर हम लोग यहाँ पर एन का वैल्यू क्या था, यहाँ पर कितने सारे बुक्स पेपर बोले थे 10, तो 10 माइनस 2 पुट करके देख लो, 10 माइनस 2 और 10 माइनस 1, तो देखो आंसर क्या आएगा, 10 माइनस 2 8 हो गया, 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल हो गया, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल सेम आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन और अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये एन नंबर ऑफ बुक्स पे बना हुआ है क्वेश्चन और वो 10 नंबर ऑफ पेपर्स पे बना हुआ है, पेपर बुक्स बस इतना ही डिफरेंस है और वहां नंबर गिवन है, यहाँ पर एन है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हम लोग का इस तरीके का पूछेगा तो वो आंसर ऐसे ही होगा, मतलब बेसिकली जितने नंबर ऑफ बुक्स है उससे एक कम, ये 9 फैक्टोरियल और ये 1, इस तरीके से हो रहा है। तो ये और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक जरा सा भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस वहां डिजिट दे दिया है, यहां बिना डिजिट के दिया है, वहां लैंग्वेज में मतलब अरेंजमेंट में हमें आइटम पेपर दे रखा था यहां पर, और वहां ये वाले क्वेश्चन में बुक्स दे रखा है, ठीक है, और यहां पर हमें पेपर दे रखा था, बाकी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। अच्छा ये रेस्ट्रिक्शन वाला और एक क्वेश्चन गया हम लोग का। अच्छा अब हम लोग 17 नंबर, ये भी रेस्ट्रिक्शन वाला है, देखो 17 नंबर वाला करके देखते हैं। अच्छा इसमें बोला है एन आर्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, वहां पर एन आर्टिकल के जगह दिया हुआ था एन बुक्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट टू पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इज, तो वहां पर जो आंसर आया था यहाँ पर भी सेम ही आंसर होगा वो, और इसमें कुछ फर्क नहीं है, आर्टिकल लिख दिया है यहाँ पर, बुक्स लिख दिया है, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो आंसर कौन सा होगा, सेम क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करके कोई मतलब दोबारा सॉल्व करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो तुम लोग बता सकते हो इसका आंसर कौन सा होगा। मैम ए वाला n माइनस टू n माइनस वन फैक्टोरियल।
मतलब ए ये वालों हाँ अभी अभी तुम लोगों ने किया ना, सेम क्वेश्चन है। देखो सिर्फ इसमें आर्टिकल दिया है, उसमें बुक्स लिखा हुआ था, वो तो आइटम का नाम है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है तो एक ही जैसा क्वेश्चन। तो इसको हम दोबारा सॉल्व नहीं करवा रहे, तुम लोग को सेम उसी तरीके से कर लेना है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो 17 सेम एज एग्जाम्पल हम लिख भी देते हैं, ताकि कभी भी तुम लोग इसको पेज यहाँ पर खाली रख दो, ठीक है? तुम लोग ये घर पे कर लेना, एग्जाम्पल 2, ठीक है? सेम एज एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पर तुम लोग अपना पेज में जगह रख दो, यहाँ पर तुम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। आंसर हम लोग लिख लेते हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए, n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये वाला आंसर। अच्छा 17 हो गया। अच्छा 18, 18 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्विज कॉन्टेस्ट, एक सेकेंड हम देखते हैं 18 वाला क्या हम लोगों ने कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने करवा दिया था। हाँ 18 करवा दिया था। अच्छा 18 हो गया, तो उसके बाद 20 किया था हम लोगों ने। अच्छा 19 हम लोग बाद में ही करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग पॉइंट है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे 19 वाला। 20 भी हो गया था, अभी हम लोग 21 से करते हैं। चलो 21, 22, 23, ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा 20 किया था, 21, 22, 23, 21, ठीक है? अच्छा तो 21 में क्या बोला है, देखो फोर डिजिट्स नंबर आर टू बी फाउंड आउट ऑफ द फिगर्स 0, 1, 2, 3, 4, नो डिजिट्स इज रिपीटेड, द नंबर ऑफ देन नंबर ऑफ सच नंबर्स इज, क्या बोला है हमें, फोर डिजिट्स नंबर रेडी करना है। क्या क्या डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। फोर्थ डिजिट नंबर का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया मैंने 2, 4, 0, 1, तो ये एक फोर डिजिट नंबर हो गया, 2, 4, 0, 1, ये एक फोर डिजिट नंबर है। यहाँ पर मैंने कोई डिजिट रिपीट नहीं किया, मतलब हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते लाइक 2, 4, 2, 1, ये नहीं लिख सकते, कोई भी डिजिट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब जो जो भी लिखेंगे इंडिविजुअल, रिपीटेशन यहाँ पर नहीं चलेगा, पहला पॉइंट ये बोल रहा है। और दूसरा और एक पॉइंट है कि जो भी डिजिट्स हम लोग बनाएंगे, जो भी नंबर हम लोग बनाएंगे वो फोर डिजिट्स का ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ना तो थ्री डिजिट चाहिए हमें, ना तो वन डिजिट, ना तो टू डिजिट, ना तो फाइव डिजिट्स, ठीक है? तो हम लोग को पूछा है कि कितने सारे नंबर बन सकता है, देन नंबर ऑफ सच नंबर्स, ऐसे कितने सारे नंबर बन सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास डिजिट्स क्या क्या अवेलेबल है, पहले हम वो एक बार नोट डाउन करते हैं। डिजिट्स हम लोग के पास अवेलेबल है यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? ये डिजिट्स अवेलेबल है। अच्छा अब हमें क्या करना है, फोर डिजिट्स नंबर बनाना है, मतलब 1, 2, 3, 4, फोर नंबर हमें लेना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या हम लोग यहाँ पर बोल सकते हो, यहाँ पर हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना अलाउड नहीं होगा, बता सकते हो मैम? जीरो 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 नहीं लिख सकते। जैसे जीरो लिखने के बाद मान लो हम लोगों ने लिखा 2 और यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 4, ये अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हो, क्यों नहीं है? जीरो नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं जीरो लिखने से? हाँ फोर डिजिट नंबर नहीं बनेगा फिर। हाँ फिर ये थ्री डिजिट बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है? तो ये नहीं चलेगा। तो रेस्ट्रिक्शन लग गया, क्या रेस्ट्रिक्शन लगा कि स्टार्टिंग वाले डिजिट में जीरो नहीं लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना डिजिट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग के लिए 4 ऐसे ब्लैंक स्पेसेस है जिसमें हमें जो है फिलअप करना है। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस पे रेस्ट्रिक्शन है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो जिस पे रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर हम लोग कितने सारे नंबर फिलअप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हो, कितने सारे नंबर में से हम लोग कितना सारा नंबर लेके फिलअप करेंगे? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ के लिए हमारे पास फर्स्ट जो डिजिट्स का स्पेस है, वहां के लिए हमारे पास कितने सारे नंबर अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं? नंबर अवेलेबल है, हाँ बोलो, अरे बोलो, फोर नंबर, 1,
फोर वन टू थ्री फोर, यानी टोटल फोर नंबर अवेलेबल है, और उसमें से हमें एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा और अरेंज करना पड़ेगा? मैम वन सिलेक्ट करना पड़ेगा. हाँ वन सिलेक्ट करना पड़ेगा. आर मतलब वन, वन का मतलब, लेकिन ये वन नहीं है, देखो ये वन नहीं है, वन का मतलब नॉट दिस वन, वन का मतलब फोर में से एक नंबर. ठीक है, हाउ मेनी नंबर, तो फोर में से कोई भी एक नंबर, मतलब हम लोग यहाँ पर चाहे तो वन लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो टू लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो थ्री लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो फोर लिख सकते हैं, तो कोई भी एक नंबर. तो अगर चार में से एक सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है तो वो कितने तरीके से होगा? 4P1 तरीके से. ठीक है, अच्छा अब इधर अरेंज करना है. अब इधर बोलो कितने सारे नंबर है अवेलेबल और उसमें से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा एट ए टाइम? मैम 0, 1, 2, 3 अवेलेबल है. हाँ 0, हाँ बोलो 0, 1, 2, 3. हाँ 0, 1, 2, 3 अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिखते हैं तो. ठीक है, अगर हम लोग 4 लिखते हैं तो यहाँ पर एक चीज हमेशा अवेलेबल रहेगा 0. ठीक है, अगर यहाँ हम लोगों ने 4 लिखा तो यहाँ अवेलेबल 1, 2, 3 रहेगा. अगर यहाँ पर हम लोग 4 की जगह 2 लिखते हैं तो क्या अवेलेबल रहेगा बता सकते हो? अगर हम लोग 4 की जगह 2 भी तो लिख सकते हैं तो हमारे लिए क्या अवेलेबल रहेगा? टू लिखेंगे तो 1, 3, 4 अवेलेबल रहेगा. 1, 3, 4 और 0 तो हमेशा अवेलेबल रहेगा क्योंकि 0 का तो इधर कोई फंक्शन है ही नहीं. ठीक है, तो अगर हम लोग 4 लिख लेते हैं तो हम लोग का 1, 2, 3 अवेलेबल रहेगा, 2 लिख लेते हैं तो 1, 3, 4 अवेलेबल रहेगा, अगर 1 लिख लेते हैं तो उस केस में हम लोग के पास 3, 4, 2 अवेलेबल रहेगा. ठीक है, इस तरीके से. तो बेसिकली हम लोग के पास नंबर ऑफ नंबर कितने सारे होंगे, मतलब n का वैल्यू क्या लिखना चाहिए? 4 4 लिखेंगे ना. यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 5 में से यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू आएगा एक्सेप्ट 0, तो बचेगा कितना? 4. तो n का वैल्यू 4 होगा. और r कितना होगा? एट ए टाइम कितना लेना है? 4 नंबर में से एट ए टाइम हमें कितना नंबर सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है? स्पेस तो 3 है तो कितना लेना पड़ेगा? मैम 3. 3, 4 में से कोई भी 3 लेना पड़ेगा, 4 में से कोई भी 3 लेना पड़ेगा, और वो हम लोग कितने तरीके से ले सकते हैं? 4P3 तरीके से. ठीक है, अब ये दोनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए. ठीक है, तो हमें दो अरेंजमेंट चाहिए तभी तो 4 डिजिट नंबर बनेगा. 4P1 इंटू 4P3 जब करेंगे तभी तो 4 डिजिट नंबर बनेगा. अच्छा 4P1 का वैल्यू कितना होता है? 4P1 का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा कुछ ऐसा, ये देखो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. तो देखते कितना आता है इधर. 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 4 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 3 फैक्टोरियल. अच्छा एक काम करते हैं, इसे 4 फैक्टोरियल ही लिख के रखते हैं, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 1, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल. तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल. अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तुम लोग चाहो तो पूरा कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 4 हम लोग का 96 होना चाहिए, 96. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखते हैं 96, ऑप्शन सी, 21 का ऑप्शन सी हो गया. मतलब 96 ऐसे 4 डिजिट्स नंबर होंगे टोटल. 96 क्या है? कितने सारे 4 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं ये सारे डिजिट्स को यूज करके. ठीक है, तो 96 नंबर बन सकता है, यही बोला था हमने. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहला बात है कि 0 सामने नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे 3 डिजिट बन जाएगा. 0 के अलावा बाकी 4 में से कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, तो बाकी 4 में से यानी n का वैल्यू 4, उसमें से एक लेना है यानी r का वैल्यू 1, तो 4p1. अच्छा अब बाकी पीछे 3 स्पेस हमें फिल अप करना है. 3 स्पेस के लिए हमारे पास कितने सारे डिजिट्स अवेलेबल होंगे? 0 तो पक्का पक्का हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसके अलावा 4 में से 0 तो हमारा फिक्स्ड है,
पीछे ही लिखना है हमें, और चार में से कोई एक, चार में से कोई एक हमारा सामने बैठ गया है, मतलब फर्स्ट डिजिट्स में, फर्स्ट प्लेस में, तो बाकी तीन यानी टोटल चार फिर से अवेलेबल होगा। क्योंकि ये देखो यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग जीरो नहीं लिख सकते, इसमें से कोई भी एक लिख लेंगे तो बाकी हम लोग के पास कितना बचेगा, तो तीन और यहाँ एक चार, और चार में से कितना लेना पड़ेगा, थ्री प्लेसेस ओपन है तो थ्री प्लेसेस के लिए थ्री डिजिट्स हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो 4p3, और ये दोनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई के आंसर आता है 96। अच्छा फिर 22 करते हैं। अच्छा इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज्ड सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। बोल रहा है कि कितने सारे तरीके से हम लोग इस वर्ड में जितने सारे लेटर है उसे अरेंज कर सकते हैं, वर्ड है हम लोग का ट्राइंगल, ताकि वर्ड एंगल ऑलवेज प्रेजेंट हो। यानी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में वर्ड जो है वो है ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया, क्या दे दिया है, जो भी वर्ड हम लोग क्यों ना बनाए वहां पर एंगल होना चाहिए, एंगल, ठीक है। अच्छा एंगल होना चाहिए, तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया रेस्ट्रिक्टेड। तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड वर्ड क्या क्या हुआ, एंगल होना चाहिए, तो नॉट रेस्ट्रिक्टेड जो लेटर है वो क्या क्या हो गया नॉट रेस्ट्रिक्टेड लेटर। मैम टी आर आई नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, हाँ टी आर आई ये है हम लोग का नॉट या नॉन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब ये सबको मिला के हमें कितना मानना है, ये तो मेरा तीन ही रहेगा, इसको कितना मानना है, वन। तो टोटल अरेंजमेंट कितने सारे लेटर का होगा, फोर, तो ये लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट। अब टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल, हाँ 4p4 तरीके से, ठीक है। अच्छा अब क्या एंगल अपने अंदर इंटरचेंज करेगा, क्या एंगल अपने अंदर अरेंज होगा, नहीं अरेंज होगा, नहीं अरेंज होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमें बोला है कि जो भी वर्ड बनाओ उसमें एंगल होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग बाकी क्वेश्चन के तरह यहाँ पर बोलेंगे कि ये चार अपने अंदर इंटरचेंज कर सकता है बोल के 4p4 कर देंगे, यानी कि एंगल होगा A N L E G भी हो जाएगा, A G L E N इस तरीके से चेंज होता जाएगा, बट वो तो हमें रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो भी वर्ड बनाओगे वहां एंगल होना चाहिए, तो अगर एंगल अपने आप रहेगा, एंगल अगर रहना चाहिए, ठीक है, तो फिर हम लोग इसको इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, एंगल ही रहेगा, A N G L E एक साथ रहेगा, ऐसे नहीं बोला है कि A कॉमा N कॉमा G कॉमा L कॉमा E एक साथ रहेगा, बोला है एंगल ही एक साथ रहना चाहिए, फिर इसमें कुछ इंटरचेंज नहीं होने वाला, तो फिर ये सिर्फ इतना ही होगा, यानी 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। देखो मुझे तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू याद है, मैंने लिख दिया 24, तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करके देख सकते हो, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली कैसा होना चाहिए, टी आर आई, ठीक है, ए एन जी एल ई, ये एक अरेंजमेंट चलेगा, या फिर ऐसे चलेगा ए एन जी एल ई, इधर आर आ गया इधर टी आई आ गया तो भी चलेगा, लेकिन ये हमेशा एंगल ही दिखना चाहिए। ये मैंने दो लिख के दिखाया, ऐसा 24 होगा, ऐसा 24 वर्ड बनेगा, ठीक है, तो ये वो 24 लिखना तो पॉसिबल है, एटलीस्ट अभी तो लिखना पॉसिबल नहीं, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो लेकिन वो काफी टाइम लगेगा, 24 लिखना पॉसिबल नहीं, 6 वर्ड हो 10 वर्ड हो फिर भी ठीक है, लेकिन इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोला है, देखो बोल रहा है इफ द लेटर लेटर्स वर्ड daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, then the number of different words are. अगर बोल रहा है कि daughter जो word है उसमें जितने सारे letter है उसको हम लोग arrange करें इस तरीके से कि जितने भी vowels है वो हमेशा odd places occupy करें, तो कितने सारे अलग अलग word बन सकते हैं, मतलब कितने सारे arrangement हो सकते हैं, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं daughter। अब इसको हम वावल्स और कॉन्सोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है,
देखो वावल्स कॉन्सोनेंट को अगर तुम लोग इस तरीके से लिखोगे ना तो एक भी वर्ड गलत नहीं होगा. कैसे? जैसे अगर हम लोग इसमें से ढूंढेंगे ना, इसमें से हम लोग फाइंड आउट करेंगे अच्छा कहाँ पर वावल्स है, तो हो सकता है हम लोगों से कोई वावल्स जो है स्किप हो जाए. बेस्ट तरीका ये है, डी पहला वर्ड है, डी लेटर, सॉरी पहला लेटर है डी, तो डी को कहाँ लिखेंगे? कॉन्सोनेंट में. फिर आ गया ए, ए को कहाँ लिखोगे? वावल्स में. फिर आ गया यू, यू को कहाँ लिखेंगे? वावल्स में. फिर जी आ गया, जी को कहाँ लिखेंगे? कॉन्सोनेंट में. अच्छा एच को कहाँ लिखेंगे? कॉन्सोनेंट में. टी को कहाँ लिखेंगे? कॉन्सोनेंट में. ई को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर वावल्स में. और आर को कहाँ लिखेंगे? कॉन्सोनेंट में. इससे क्या है? और कुछ नहीं, एक भी वर्ड स्किप होने का चांसेस जो है वो जीरो हो जाएगा. ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं हो जाएगा तुम लोगों से. तो ये हो गया. अब यहाँ पर क्वेश्चन टुगेदर नॉट टुगेदर नहीं है, यहाँ पर बोला है कि वावल्स ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करें. अब ये ऑड प्लेसेस क्या है? तो देखो ये जो पूरा वर्ड है इसके, इसने कितने सारे प्लेसेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं? डी ए यू जी एच टी ई आर, ठीक है, जिसमें से ये हो गया पहला. ये बोलो ये ऑड प्लेस है कि इवन? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके प्लेसेस है, तो फर्स्ट प्लेस ऑड है, ऑड होगा कि इवन होगा? इवन का मतलब क्या होता है? ऐसा वैल्यू जो कि टू से डिविजिबल होता है. ऑड का मतलब ऐसा वैल्यू जो टू से डिविजिबल नहीं होगा. तो ये ऑड होगा कि इवन? पहला वाला ऑड होगा, ऑड होगा, ठीक है. अच्छा इसके बाद वाला इवन हो जाएगा, सेकंड प्लेस इवन हो जाएगा, अगेन थर्ड प्लेस ऑड हो जाएगा, फिर ये इवन हो जाएगा, फिर ये ऑड हो जाएगा, फिर ये इवन हो जाएगा, फिर ये ऑड हो जाएगा, फिर ये इवन हो जाएगा, ठीक है. ये हम लोग का प्लेसेस इतना सारा हो गया. अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वावल्स हमेशा कौन सा प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगा? ऑड प्लेसेस करेगा, ठीक है. तो जो तीन वर्ड है वावल्स में, जो तीन सॉरी तीन लेटर है, बार बार वर्ड बोल दे रहे, ठीक है, तो ये जो भी तीन लेटर है इसे हमें ऑड प्लेसेस में पुट करना है. तो मुझे बताओ ऑड प्लेसेस कितना सारा है? 1 2 3 4, ठीक है, ऑड प्लेसेस 4 है. ये 4 प्लेसेस में हमें कितने सारे लेटर को पुट करना है? बोलो कितने सारे लेटर को पुट कर सकते हैं? मैम 3 लेटर्स को, ए यू ई. हाँ 3 लेटर्स को कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वावल्स 3 ही अवेलेबल है. वो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 4P3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा अब ये ऑड प्लेसेस हमारा 4 है, लेटर हम लोग के पास 3 है, तो कोई भी 4 प्लेसेस में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा अब हमें पूरे वर्ड का अरेंजमेंट करना है, सिर्फ वावल्स का नहीं करना है, तो कॉन्सोनेंट का भी सोचना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट को कैसे अरेंज करेंगे. तो ये मेरा हो गया वावल्स वाला कंसेप्ट, ठीक है. अब हम लोग कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट देखते हैं. कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को क्या करें? तो कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं और प्लेसेस कितने सारे हैं? तो कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कॉन्सोनेंट है, यानी 5 एट ए टाइम लेके हमें अरेंज करना पड़ेगा. और हमारे लिए प्लेसेस कितने सारे अवेलेबल है वहीं पर तो अरेंज करेंगे. प्लेसेस कितने सारे अवेलेबल है बता सकते हो? कितने सारे प्लेसेस अवेलेबल होंगे? मैम 5 प्लेसेस. हाँ 5 प्लेसेस ही होगा. कैसे? ये देखो हम लोग के पास सारे इवन प्लेसेस तो कॉन्सोनेंट के लिए है, तो तुम लोग सोचोगे कि 4 ही प्लेस है. ऑब्वियसली 4 प्लेस है, लेकिन ऑड प्लेसेस हमारे पास 4 है, बट हमारे पास ऑड प्लेस को ऑक्यूपाई करवाने के लिए वावल्स तो 3 ही है. मतलब हम लोग कोई भी ऑड प्लेसेस क्यों ना यूज करें, एक ऑड प्लेसेस तो हमारा हमेशा खाली ही रह जाएगा. जैसे अगर हम यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर यू और यहाँ पर ई, तो भी मेरा ये खाली रहेगा. अगर हम कुछ और कर लेते हैं जैसे कि यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये मेरा खाली रह जाएगा. मतलब मेरे पास कॉन्सोनेंट के लिए कितने सारे प्लेसेस अवेलेबल रहेंगे? 4 इवन एंड 1 ऑड प्लेसेस. ये कैसे आया? 4 इवन प्लस 1 ऑड, जो कि हम लोग का हमेशा खाली रह जाएगा क्योंकि हमारे पास वावल्स जो है वो 3 ही अवेलेबल है. तो ये 5 प्लेसेस में 5 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से फिल अप हो जाएंगे? 5 भी 5 तरीके से. अब ये दोनों चीज हमारा कंबाइनली होना चाहिए, तभी तो जाके ये पूरा वर्ड का अरेंजमेंट हो सकता है. तो कंबाइनली होने का मतलब 4P3 × 5P5 हो जाएगा, 5P5, ठीक है. अब इसका आंसर निकालो कितना होता है.
4p3, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 5p5 का मतलब 5 फैक्टोरियल. तो 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. अब देखते हैं कितना होगा. 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है. ठीक है, 2880. देखो मुझे याद है, हम कर ले रहे, तुम लोग अपना कैलकुलेटर पे कर लो. 4 × 3 × 2 × 1, और उधर हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2880. तो 2880 यानी कि ये वाला ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2880 ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा. तो ये हम लोग का यहाँ पर ये वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ. इसमें मैंने एक क्वेश्चन बाकी रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. वो हम एक बार नोट डाउन यहाँ पर कर लेते हैं. इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बाकी रखा है. ये हम लोग लास्ट में करेंगे, जब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर इलास्ट्रेशन में, वो करेंगे तब हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे. ठीक है, बाकी ये पूरा हम लोग का जो एक्सरसाइज 5A है ये कंप्लीट हो गया. अच्छा, अब इसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर आज एग्जांपल स्टार्ट किया था, फिर से हम लोग उस एग्जांपल में जाते हैं. एक क्वेश्चन शायद हम लोग और भी कर पाएंगे. एग्जांपल 1 ये करवा दिया, एग्जांपल 2 भी हम लोगों ने कर लिया, एग्जांपल 3 भी हम लोगों ने कर लिया, एग्जाम्पल 4 करके देखते हैं. देखो यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी थ्री आउट ऑफ फाइव डिजिट्स, बाय यूजिंग एनी थ्री आउट ऑफ फाइव डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5. फाइव मतलब ये फाइव डिजिट्स का बात नहीं हो रहा है, टोटल फाइव डिजिट्स हमें दिया है. क्या क्या डिजिट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. बोल रहा है कि कितने सारे हम लोग नंबर बना सकते हैं अगर हम लोग 5 में से 3 डिजिट लेते हैं. नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर, कोई भी नंबर में डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बोला है. ठीक है, तो देखो कैसे आंसर होगा. ये वाला एग्जाम्पल 4 कर लेते हैं. यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन लिखते हैं. हमारे पास डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, सीरियली दे रखा है. ठीक है, इतने सारे डिजिट्स हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है कि अगर इसमें से हम लोग 3 डिजिट्स को लेते हैं 5 में से, तो हम लोग कितने सारे नंबर फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, r का वैल्यू कितना होगा. अगर आउट ऑफ 5 हमें 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, तो बोलो n का वैल्यू कितना होगा और r का वैल्यू कितना होगा. मैम n का वैल्यू 5 होगा, r का वैल्यू 3 होगा. तो ये हो गया 5p3, और 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल. अब 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है. ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 यानी 60 आंसर हो जाएगा. 60 ऐसे नंबर बन सकते हैं. तो यहाँ पर देख लो आंसर हम लोग का 60. ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद इससे इसमें और एक क्वेश्चन पूछा, और 2 क्वेश्चन पूछा है. हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट्स, ऐसे कितने सारे नंबर इसमें बन सकते हैं जो एक स्पेसिफाइड डिजिट से ही स्टार्ट हो. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि कौन सा स्पेसिफाइड डिजिट होगा, मतलब कोई भी एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होगा, ऐसे कितने सारे नंबर होंगे हम समझा. यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं. बोला है कि बिगिन विथ स्पेसिफाइड डिजिट. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पे बोला है, इसी क्वेश्चन पे बोला है कि अगर हम लोग 5 में से 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करके नंबर्स बनाते हैं, तो हम लोगों का टोटल 160 कितना हुआ, हाँ 60 नंबर्स डिजिट्स बन जाएगा, 60 नंबर्स बन जाएगा अगर हम लोग का नंबर एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट हो. हमें 3 नंबर लेना है. ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला है वो हमेशा एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट हो. ठीक है, तो स्पेसिफाइड डिजिट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग मान के चलते हैं हमारा जो भी नंबर होगा उसके स्टार्टिंग में 1 रहेगा, ऐसा सोच सकते हैं, या फिर उसके स्टार्टिंग में 2 रहेगा, या 3 या 4 या 5, कोई भी एक हम लोग इसमें फिक्स कर लेंगे. तो इस जगह को अरेंज करने के लिए हमारे पास टोटल डिजिट्स कितना है और उसमें से हम लोग कितने सारे डिजिट्स को ले सकते हैं. तो पहले तो हमें फिक्स करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि यहाँ स्पेसिफाइड डिजिट्स क्या लें, 1, 2, 3, 4 या 5, कोई भी एक ले सकते हैं. तो मुझे बोलो यहाँ इस केस में n का वैल्यू कितना होगा और r का वैल्यू कितना होगा. मैम 1 होगा शायद.
हाँ वन होगा, क्योंकि देखो अगर हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर जब भी लिखेंगे ना हम थ्री ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम थ्री ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे, तो मेरा एक ही नंबर हुआ। या फिर अगर हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है थ्री नहीं हम ना फाइव ही लिखेंगे, तो फिर एक ही होगा ना, एन का वैल्यू एक होगा, तो एन अगर वन होगा तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल फॉर फिल अप दिस प्लेस इज वन, एंड आर कितना होगा फिर, एक में से कितना सिलेक्ट कर पाएंगे मैक्सिमम, कितना सिलेक्ट करना है, वन ही करना है, तो वन पे वन तरीके से फिलअप हो सकता है, ठीक है। और बाकी ये दो प्लेसेस को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल होंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्पेसिफाइड डिजिट्स ले लिया है, सपोज हम लोगों ने फोर ले लिया है, तो बाकी कितने सारे डिजिट्स बचेंगे, कुछ भी ले लो, जो भी ले लो, जो भी दिमाग में फिक्स कर रहे हो, बाकी अवेलेबल डिजिट्स कितने सारे होंगे। फोर होगा, फोर होगा, ठीक है, फाइव में से एक चला जाएगा, फोर होगा, फोर में से यहाँ फिलअप करने के लिए हमें एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, वन शायद, नहीं वन क्यों, हमारे पास तो दो प्लेसेस अवेलेबल है ना, वन करेंगे तो एक ही जगह फिलअप हो पाएगा, बोलो कितना होगा, दो प्लेसेस है ना, टू होगा शायद, टू होगा, ऑब्वियसली टू होगा ना, चार डिजिट्स है, कोई भी दो लेना है हमें, तो फोर पी टू, अब ये दोनों हमें एक साथ करना है तभी तो हमारा तीन डिजिट वाला नंबर बनेगा, तो वन पी वन इंटू फोर पी टू, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वन पी वन वन फैक्टोरियल, फोर पी टू का मतलब फोर फैक्टोरियल, फोर माइनस टू फैक्टोरियल, तो ये हो गया वन फैक्टोरियल यानी वन, फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, अब मुझे तो याद रहता है ये 24 होता है, 24 बाय टू मतलब वन इंटू 24 बाय टू, तुम लोगों के लिए मैंने लिख दिया एक बार, तो ये हो गया हम लोग का 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट होगा ऐसा 12 नंबर हम लोग का हो सकता है, ठीक है, ऐसा 12 नंबर हो सकता है, जैसे तुम लोग चाहो तो इसको लिख के भी देख सकते हो, जैसे मान लो स्पेसिफाइड डिजिट हम लोगों ने मान लिया 4 लेना है, तो बाकी ऐसे हो सकता है 4 5 1, ठीक है 4 1 5, ठीक है 4 2 1, 4 1 2, ऐसे करके तुम लोग लिख के देख सकते हो, या फिर ऐसे हो सकता है 4 यहाँ पर हो सकता है 4 2 5, 4 5 2, ऐसे करके तुम लोग लिख के देखना 12 हो ही जाएगा, जैसे मैंने 4 को फिक्स रखा, तुम लोग कुछ और को फिक्स रख के कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 और ऐसा 6 नंबर हो जाएगा, तुम लोग चाहो तो लिख के अपने तसल्ली के लिए एक बार देख सकते हो, ठीक है कि कैसे करके हो रहा है। अच्छा अब इसका और एक पार्ट बाकी है, बिगिन विद स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विद अनदर स्पेसिफाइड डिजिट, मतलब हम लोग का स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर हम लोग एक डिजिट को फिक्स कर लेते हैं, एक नहीं अभी दो डिजिट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं Begin with specified digit and end with specified digit. तो कैसे होगा? Digits उतने सारे ही रखने हैं, 1 2 3, तो बिगिनिंग और एंडिंग दोनों में रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, तो बिगिनिंग अगर स्पेसिफाइड डिजिट से है तो एन वन होगा, आर भी वन होगा, जैसे अभी अभी हम लोगों ने किया तो वन पी वन हो जाएगा, अब एंडिंग में भी एक स्पेसिफाइड डिजिट रखना है तो यहाँ पर एन और आर कितना होगा, बोलो यहाँ पर एन और आर कितना होगा, कोई भी एक डिजिट को फिक्स कर लेना है तो यहाँ पर एन और आर कितना होगा, वन होगा, वन वन, और यहाँ भी वन होगा सेम तरीके से जैसे फर्स्ट वाला होगा, वन पी वन, ठीक है, तो यहाँ एक फिक्स कर लिया, इधर एक फिक्स कर लिया, ठीक है, अब मिडिल में एन और आर का वैल्यू कितना होगा, तो मिडिल में कितना सारा हमारे पास जो है डिजिट्स अवेलेबल है टोटल, अगर हम 1 2 3 4 5, 5 में से दो हम लोगों ने इधर इधर फिक्स कर लिया तो बचा कितना, उतना ही अवेलेबल होगा, बोलो इधर एक फिक्स कर लिया, इधर एक फिक्स कर लिया, पांच में से हमारे पास डिजिट क्या क्या था, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से इधर एक मैंने फिक्स कर लिया, इधर एक मैंने फिक्स कर लिया, कोई भी फिक्स कर लो अपने मन से, तो मिडिल में लिखने के लिए क्या ले सकते हैं, जो बचे हुए हैं उसमें से कोई भी एक, तो बचा हुआ कितना सारा है, 3 बचा हुआ है, मतलब 3 डिजिट सब, हाँ 3 डिजिट्स बचा हुआ है, और कितना सिलेक्ट करेंगे एट ए टाइम एक प्लेस को फिल अप करने के लिए, भले ही डिजिट 3 हो, नहीं 3 में से 3 नहीं चाहिए, कितना चाहिए बोलो, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, ठीक है 3 है लेकिन मुझे एक ही चाहिए,
एट ए टाइम, तो 3P1। अब ये तीनों चीज एक साथ होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, तभी जाके हम लोग का तीन डिजिट्स का इस तरीके का नंबर बन जाएगा। तो 1P1 1 factorial, 3P1 3 factorial by 3 minus 1 factorial, और 1P1 का मतलब 1 factorial, तो 1 into 3 factorial 2 factorial into 1। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, ये हो गया हम लोग का 3 factorial यानी 6/2 यानी 3 आ जाएगा। 3 into 2 factorial कर लो, 1 तो 1 ही हो जाता है ना, ये 2 factorial ये कैंसिल आउट होके 3 हो गया। अच्छा ये हम लोग का आंसर आ गया फिर 3। एक सेकंड इसका देख लेते हैं हम लोग का आंसर, हाँ 3 होगा। ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं, ये 12 और ये वाला 3। अब ये 3 हम लोग लिख के देख सकते हैं, जैसे देखो हम लोग अगर ऐसा कोई नंबर ऐसे सोच लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में 2 लिखेंगे और एंडिंग में 4 लिखेंगे हमेशा, ठीक है, तो क्या 3 नंबर होगा? चेक करके देखो, स्टार्टिंग में 2 लिखेंगे एंडिंग में 4 लिखेंगे, तो मिडिल में क्या लिख सकते हैं? अगर हम स्टार्टिंग में 2 लिखेंगे और एंडिंग में 4 लिखेंगे ऐसा मैंने फिक्स कर लिया, तो मिडिल में हम 1, 3 और 5 लिख सकते हैं। तो एक बार 1 लिख सकते हैं, एक बार 3 लिख सकते हैं और एक बार 5 लिख सकते हैं। तो मैंने 2 और 4 को फिक्स किया, तुम लोग कुछ और कर लो ना, जैसे तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि हम लोग स्टार्टिंग में 1 लिखेंगे और एंड में हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है, तो मिडिल में क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो, 1 और 4 3 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 1 5 और 3 लिख सकते हो। ये देखो ये हम लिख के दिखा दिए, क्यों? क्योंकि ये काफी कम था, ये देखो ये सिर्फ 3 नंबर होगा ना, तो वो देखो मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। मैंने 1 3 से फिक्स किया, 2 4, तुम लोग कुछ और से फिक्स करके देखो, 3 ही नंबर होगा, ठीक है। तो ये 3 4 होता है तो लिख के देख सकते हैं तसल्ली के लिए, बाकी बहुत सारा नंबर जैसे कि 12 ये थोड़ा सा टफ है, चाहो तो एक बार करके देख सकते हो तसल्ली के लिए होता है कि नहीं, लेकिन 24 90 वैल्यूज इतने सारे हम लोग करके नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये देखो ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया एग्जाम्पल 4, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसमें जो भी क्वेश्चंस बाकी है।